और अब एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, संदेश खाली मामले पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि शाहजहां को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि कोर्ट के खिलाफ गलत धारणा बनाई जा रही है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने टिप्पणी कर दी है। इससे पहले शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं होने पर टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने न्यायपालिका पर सवाल खड़े कर दिए थे। उन्होंने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं होने के पीछे हाईकोर्ट को जिम्मेदार ठहरा दिया था और इसी पर अब इस पूरे मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी मानी जा रही है। कहा कि शाहजहां शेख को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए, कोर्ट के खिलाफ गलत धारणा बनाई जा रही है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अभी भी शाहजहां शेख कहां पर है, वो क्या पश्चिम बंगाल में ही है, वो बांग्लादेश भाग गया है, किसी को कोई जानकारी नहीं है और अभी तक गिरफ्तारी न हो पाना एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इसी को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है कि जल्द ही शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, ये हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं इस वक्त हमारी सहयोगी आशिका हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ी हुई है। आशिका, धारणा बनाई जा रही है कोर्ट के खिलाफ, ये टिप्पणी करते हुए शाहजहां शेख की गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए ये कह दिया गया है कोर्ट की तरफ से, क्या इसके मायने हैं और इसके बाद क्या लगता है कि बंगाल में कैसे तस्वीर बदलती हुई दिखाई देगी? देखिए, चीफ जस्टिस की ये डिवीजन बेंच थी जिसने ये फिलहाल जो ऑब्जर्वेशन था उनका ये था कि कोर्ट के खिलाफ गलत धारणा बनाई जा रही, क्योंकि अभिषेक बैनर्जी टीएमसी की तरफ से कल उन्होंने ये बयान दिया था कि पुलिस के हाथ कोर्ट ने बांध रखे हैं। तो कोर्ट ने आज साफ कर दिया कि इसके पहले जो उन्होंने आदेश दिया था वो ये था कि SIT का जो गठन हुआ है मामले की जाँच के लिए उस पर रोक लगाई जाए, न कि शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर रोक लगी है। तो साफ आज कोर्ट की तरफ से कर दिया गया, कई सवाल उठाए गए हैं, गंभीर पड़िया किया गई है। ये पूछा गया है कि शेख शाहजहां और उसके साथियों के खिलाफ 4 साल पहले जो मामले हुए थे उस पर पुलिस ने 4 साल क्यों लगा दिए चार्जशीट फाइल करने में, और गिरफ्तारी किसकी किसकी हुई है, क्या कदम उठाए गए हैं, ये सवाल उठाए हैं कोर्ट की तरफ से। साफ कर दिया है कि गिरफ्तारी पर कोई भी रोक नहीं है पुलिस के, तो पुलिस को ये कहा है कि गिरफ्तार करना चाहिए शेख शाहजहां को, कहां छुपा है इस पर सवाल फिलहाल बना हुआ है कि भारत में है या कहीं बांग्लादेश ना भाग गया हो। अब आपको बता दूं कि शेख शाहजहां के भाई सिराजुद्दीन के ऊपर भी कल से लेकर के जब कैंप लगाया पुलिस ने तो 100 से ज़्यादा FIR उसके खिलाफ भी, 100 से ज़्यादा मामले शिकायतें पुलिस के पास पहुँची हैं। इस मामले में लगातार जो TMC के नेता हैं उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी क्रम में अजीत माइती की भी आज सुबह गिरफ्तारी नहीं हुई आशिका, लेकिन सवाल तो वहां पर पुलिस प्रशासन पर भी है ना। आप पलटवार करते हुए अगर ये कह देंगे कि कोर्ट ने पुलिस को बांधे हुआ है तो आप कोर्ट की तो सख्त टिप्पणी इस पर आ गई है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वहां पर पहुंचती है तो उन्हें रोक दिया जाता है, वहां पर कोई मिलने के लिए मुलाकात करने के लिए जाता है तो बैरिगेड लगा दिए जाते हैं। अब BJP वाले तो यही कहते हैं कि जितने बैरिगेड हमें रोकने के लिए लगाए जा रहे हैं उतनी मेहनत ये पुलिस कर ले, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी तो कर ले। बिल्कुल यही सवाल विरोधी दल उठा रहा है। देखिए, आज भी धरना होना था कोलकाता में, BJP का 3 दिन का धरना शुरू होना था लेकिन पुलिस ने उनको भी अनुमति नहीं दी है। उस मामले को लेकर भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। शुभेंदु अधिकारी को संदेश काली जाना है, इसके लिए भी उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और यही बार बार कहा जा रहा है कि शेख शाहजहां को पकड़ने में विफल पुलिस और वो भाजपा के जो नेता हैं उन पर रोक लगा रही है। आपको ये भी बता दें कि जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ पर लोग, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और जब DG वहाँ पर गए थे ना 2 दिन पहले तो उन्होंने ये कहा था कि जो भी उकसाए जाने पर ऐसे कदम उठा रहे हैं विरोध प्रदर्शन जैसे, उनके खिलाफ एक्शन होगा और एक्शन होता हुआ नज़र भी आया, जहाँ पर महिलाएँ रोते बिलखते हुए ये शिकायत कर रही थी कि पुलिस शेख शाहजहां को तो गिरफ्तार नहीं कर पा रही है लेकिन उनको विरोध प्रदर्शन करने पर जरूर गिरफ्तार कर रही है। लवीना, ठीक है, वहां पर लोगों का गुस्सा यहां पर भड़कना भी लाजमी। आशिका, बने रहेगा हमारे साथ। एक और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि संदेश खाली में स्थानीय लोगों का TMC नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन भी लगातार चल रहा है। आज TMC नेता हरधर आड़ी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। विरोध में लोगों ने घर के सामने रखे भूसे के ढेर में ही आग लगा दी। TMC नेता हरधर आड़ी को इस विवाद को सुलझाने के लिए संयुक्त संयोजक बनाया गया था जिसका लोगों ने जबरदस्त तरीके से विरोध किया है। ये तस्वीरें आपके TV स्क्रीन पर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, संदेश खाली से ही सामने आई है। हरधर
आड़े के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन किया गया है। आपको एक बार फिर से मैं बता दूं कि उन्हें संयुक्त संयोजक इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए बनाया गया था, लेकिन लोगों का सवाल यह है कि आखिर शाहजहां शेख की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है। इतने संगीन आरोप शाहजहां शेख पर लगने के बावजूद भी वो कहां पर है, वो क्यों फरार है, ये किसी को नहीं पता। अलग अलग दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर संदेश खाली में एक के बाद एक ऐसी ही प्रदर्शन की तस्वीरें दिखी जा रही हैं। अब दूसरी तरफ आप देखिए टीएमसी नेता के खिलाफ गुस्सा ऐसा फूटा कि वहां पर लोगों ने जबरदस्त तरीके से विरोध जाहिर किया है और सवाल यही कि आखिर शाहजहां शेख कहां पर है।